नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जेवर में, जहां से आज 25 दिसंबर जो एक ऐतिहासिक तारीख है अपने आप में, 25 दिसंबर 1927 के दिन बाबा साहेब ने जो विधान सदियों से चला आ रहा था, जिस विधान के तहत पूरे देश को बेड़ियों में जकड़ा गया था, जात पात की, ऊंच नीच की, असमानता की, उन बेड़ियों को जलाकर राख कर दिया मनुस्मृति के साथ। मनुस्मृति के साथ ही उन्होंने स्त्री पुरुष की असमानता को पाटने की कोशिश की, जाति व्यवस्था को पाटने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं कि समाज में ये जो मनुस्मृति है, भले उस विधान को जलाया गया हो, लेकिन लोगों की जहन में, उनकी सोच में, उनके परिपेक्ष में मुझे लगता है। और यही हमने देखा है अभी हाल ही में उत्तराखंड में, जहाँ के एक गाँव चंपावत में हमने देखा कि स्कूली बच्चे, महज 6ठी से 8ठी तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों ने किस तरीके से एक दलित भोजन माता के हाथ का खाना खाने से मना कर दिया। और इसके बाद सरकार ने, क्योंकि जो 6ठी से 8ठी तक के कुल बच्चे थे वो 58 बच्चे थे, उनमें से जो तादाद थी वो सवर्ण बच्चों की ज़्यादा थी, इसका हवाला देते हुए वहाँ की प्रशासन ने उस भोजन माता को बदल दिया और उसकी जगह एक सवर्ण भोजन माता को नियुक्त किया गया। लेकिन अब जो हुआ है वो एक बेहद क्रांतिकारी कदम है, और ये क्रांतिकारी कदम उठाया है उसी 6 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने, जो दलित बच्चे हैं, जो अनुसूचित समाज के बच्चे हैं, उन बच्चों ने अब एक आवेदन पत्र लिखा है अपने प्रधानाचार्य के नाम, और उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर सवर्ण वर्ग के बच्चे दलित भोजन माता के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते, वो उसका बहिष्कार करते हैं, तो हम भी सवर्ण भोजन माता के हाथ का बना हुआ नहीं खाएंगे, हम उसका बहिष्कार करते हैं, हम अपना लंच घर से लेकर आएंगे और उसे स्कूल में खाएंगे। ये एक बेहद क्रांतिकारी कदम है। हालांकि अगर हम देखें तो इस पर जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि अगर आग के बदले आग तो पूरी दुनिया अंधी हो जाए, तो ये शायद एक उचित कदम ना हो, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो बड़े ही कोमल मन के होते हैं। उन्होंने अगर देखा कि उनके कक्षा में पढ़ने वाले, उनके सहपाठी इस तरीके का कोई कदम उठा रहे हैं, तो उन्होंने भी इसका विरोध किया, और ये विरोध मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छे स्वर में है। आज मेरे साथ शालिनी आनंद जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वासी हैं तो इस शहर से ज़रूर वाकिफ होंगे, अपना चैनल चलाती हैं। महिला होने के नाम पर इन्होंने किस तरीके से अपनी सशक्तिकरण को आगे रखा है, ये खुद मिसाल है इसमें। और आज इस मुद्दे पर आपसे बात करनी थी, और मुझे लगा कि बच्चों ने जो किया है कहीं ना कहीं उसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों ने अपनी तरफ से जो एक कदम उठाया है ये बहुत सराहनीय है, इस पर आपका क्या कहना है मैम? मेरा तो यही कहना है कि उन बच्चों को जो उन्होंने कदम उठाया है, मतलब एक ऐसी समाज की महिला को, पहले तो खाने पे आपने तो पूरा इसे समझा ही दिया मुद्दा, कि ऐसी समाज की महिला को किस तरह से एक कुंठित मानसिकता के लोगों ने किस तरह से पूरे षड्यंत्र के साथ उस महिला को नौकरी से निकाल दिया और एक सवर्ण समाज की महिला को नौकरी पर रखा, और उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को समझिए उस एज में, हम लोगों को समझिए कपड़े पहनने की भी इतनी मतलब अकल नहीं होती थी, आज वो छोटे छोटे बच्चों को मतलब एक जातिवाद का जो दंश है उनके दिमाग में डाला जा रहा है कि वो छोटी जात का, हम ऊंची जात का, इस तरह का जो दंश सदियों से चला आ रहा था वो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जा रहा है, उनकी जो ये मानसिकता को दूषित किया जा रहा है, तो ये उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, और जो उस सवर्ण समाज के लोग हैं वो नहीं चाह रहे कि आज वो जो बीज बो रहे हैं, ये बीज जो ये पेड़ बन के उगेगा तो क्या भूचाल लाएगा पूरे देश में, जो असमानता की खाई सदियों से चली आ रही आज भी है। तो आज जो ऐसी समाज के बच्चों ने, क्योंकि सवर्ण समाज के बच्चों ने तो पहले ही बोल दिया कि अगर ऐसी समाज की महिला खाना बनाएगी तो हम नहीं खाएंगे, छुआछूत जातिवाद भेदभाव का ये जो उनके दिमाग में बच्चों के डाला गया वो जहर बन के उगला, और जो ऐसी समाज की महिला को एक षड्यंत्र के थ्रू हटाकर सवर्ण समाज की महिला को हटाएगा, तो समझ लीजिए ऐसी समाज की उस महिला को जो नौकरी करती होगी अपने घर में एक टाइम का खाना किस तरह से खाती होगी, अपने बच्चों को किस तरह पालती होगी, पूरे घर का खर्चा कैसे चलाती होगी, आज तुम लोगों ने षड्यंत्र करके उस महिला को नौकरी से निकाल दिया है, तो ये समझिए आप एक मानवता का परिचय तो नहीं दे रहे हो। और जो बच्चों ने, 60 बच्चों में से 40 बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया था सवर्ण समाज की महिला को, तो आज उन बच्चों ने परिचय दिया है जो ऐसी समाज के बच्चे हैं कि उनके पेरेंट्स ने जो उनको सिखाया है कि आप अगर वो नहीं खा, अगर वो हमारे समाज की महिला के हाथ से नहीं खा सकते तो हम भी उच्च वर्ग की जो महिला है मैं भी उसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, और शायद सारे बच्चों ने घर टिफिन लेके आए थे, तो ये बच्चों की तरफ से एक क्रांतिकारी कदम था। मैं तो सराहना करती हूँ इन बच्चों के, और इन बच्चों के जो उन्होंने आज काम किया
वो वाकई में सलूट करने वाला है और पूरे समाज को उन बच्चों का साथ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के जो अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी है, जो मतलब हमें लगता है कि ये बीजेपी या जो भी है सबकी एक मिली भगत है और सब ये साठगांठ से हो रहा है, तो उन बच्चों का जो ये अगर कदम है तो पूरे बौद्ध समाज को उनका साथ देना चाहिए। और जैसा कि आज मनुस्मृति दहन दिवस है तो सभी देशवासियों को सबसे पहले पूरे बहुजन समाज को और सर समाज की महिलाओं को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो मनुस्मृति दहन किया था तो वो इसलिए नहीं किया था कि वो मनुस्मृति थी, बट इसलिए किया था कि उसमें जो बहुजन समाज के लोग थे और जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो एक समझिए कि जानवरों से बदतर जिंदगी उसमें थी, गैर बराबरी और असमानता, इस तरह की रूढ़िवाद जो परंपरा सब उसमें भरी हुई थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ ये संदेश देना था कि पूरे समाज का जो भी इस देश में रहता है सर समाज एक मानवता का परिचय दिया कि जितने भी मानव हैं सब समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है और स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह जीने का अधिकार है, क्योंकि उसमें स्त्रियों को तो एक तरह से कहिए कि पाँव की जूती समझा गया है, तो स्त्रियों को भी बराबरी का दर्जा देने का बाबा साहेब का उद्देश्य था। तो आज उसी के हम लोग आज उसी का उपलक्ष्य में यहाँ बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं इस जेवर में, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप वो बच्चे, यही बच्चे बड़े होकर आप आरक्षण का विरोध करोगे और आप मानसिकता डालोगे, लेकिन अगर आप आरक्षण ना होता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अगर आरक्षण ना देते, रिजर्वेशन ना देते, तो हमारे समाज के लोग आज हाई एजुकेशन ले रहे हैं, ऊँचे से ऊँचे पदों पर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको कैसे मिलता? आप तो बढ़ने नहीं देते, आप तो पदोन्नत के बजाय आप तो उनको डिमोशन कर रहे हो, उनका आप प्रमोशन कहाँ कर रहे हो, आप तो डिमोशन कर रहे हो ऐसे समाज के लोगों का। तो आप आज मुझे लगता है मनुस्मृति दहन दिवस के दिन इन बच्चों ने सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहेब को दी, बिल्कुल श्रद्धांजलि दी है, और मैं सोच रही हूँ कि इन बच्चों का जो कदम है वाकई में सराहनीय और पूरे समाज को उनका सपोर्ट करना चाहिए उन बच्चों का। और आज मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों ने तो अपना काम कर दिया, बच्चों ने तो अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन आप सभी लोग आज के दिन अपने आप से प्रण लीजिए कि हमें भी अपने आत्मसम्मान को हमेशा आगे रखना होगा, क्योंकि जिस इंसान का आत्मसम्मान नहीं होता, अपना आत्मसम्मान खो देता है, वो शायद जानवर से भी बदतर हो जाता है, मुझे तो नहीं लगता वो मानव होगा, क्योंकि आप अगर मानवता का परिचय दे रहे हो तो अपने आत्मसम्मान को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखो। मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आप अगर अनुयायी हो तो उनके बताए मार्ग पर चलो, और बाबा साहब तो वो बच्चे जो है वो तो चल गए, वो तो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वहाँ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जो स्कूल का जो वहाँ का पूरा डिपार्टमेंट है वहाँ का, वो क्या इस पर एक्शन लेता है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देखना ये होगा कि उन बच्चों का जो आज संघर्ष है वो क्या रंग लाता है, क्या उस महिला को न्याय मिलेगा। जो हुआ वो बच्चों ने जो किया, उन्होंने पहले विरोध किया, उसका बहिष्कार किया, उसके बाद प्रशासन ने जो किया वो सबसे बड़ा गंभीर विषय था कि प्रशासन ने उन बच्चों की मांग को मान लिया और दलित भोजन माता को बदल दिया। अब इन बच्चों ने, अनुसूचित जाति के बच्चों ने जो कदम उठाया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उन्हें नौकरी से निकाल दो, लेकिन कम से कम वो ये कह रहे हैं कि हम अपना लंच लाएंगे, हम खुद खाना खाएंगे। तो प्रशासन के मुंह पे एक जोरदार तमाचा इन बच्चों ने मारा है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि प्रशासन, वाकई में इसमें प्रशासन की मिली भगत है पूरी, क्योंकि एक छोटे छोटे बच्चों के कहने पर आप एक महिला को नौकरी से निकाल दो, ये तो कोई बात नहीं बनती है, क्योंकि अगर शासन प्रशासन की पूरी मिली भगत होगी कि ऐसे समाज की महिला को नौकरी से निकालना है, क्योंकि बात ये थी कि उच्च श्रेणी की जो महिला है उसको नौकरी पे रखना था और ऐसे समाज की महिला को नौकरी से निकालना था, दैट्स इट, यही मैटर था पूरा, बस उन बच्चों को बीच में लाया गया, जरिया बनाया गया, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी बच्चा, अगर मैं भी अभी कहूँ जाके तो नहीं निकाला जाएगा, फिर बच्चों को कैसे, बच्चों के कहने पर कैसे कर दिया गया, तो ये एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। इसके दिन जब पूरा देश जो है वो बाबा साहेब की मनुस्मृति दहन दिवस को मना रहा है, उनकी उस सीख को याद कर रहा है, इन बच्चों ने एक क्रांतिकारी कदम के जरिए साबित कर दिया है कि जब जब उनके अधिकार उनसे छीने जाएंगे वो ऐसे ही उन्हें लागू करवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।